नर्मदा मैया की जय, गौ माता की जय। जगत गुरु श्याम देवाचार्य महाराज आदरणीय, सभी आदरणीय साधु संत समाज, हमारे सांसद विवेक तनखा जी, हमारे मंत्री प्रियव्रत जी लखन भाई, विधायक विनय और संजय, और हमारे साथी मंत्रिमंडल के साथी जो इस महाकुंभ के कर्ता धर्ता रहे, तरुण बानोट जी, सभी आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मेरा सौभाग्य है कि ये छठी नर्मदा महाकुंभ में आमंत्रित किया और मुझे यहाँ आने का मौका मिला। हमारी गवर्नमेंट लगभग चौदह महीने पहले थी। जब हमारी गवर्नमेंट बनी, हमारी सरकार बनी, मैंने देखा क्या क्या विभाग हैं, और सबसे पहला काम विभागों को बनाने में मैंने अध्यात्म विभाग बनाया। उसके पहले, हमारी सरकार बनने के पहले, बहुत पहले, मैंने खुद ने घोषणा करी थी कि हमारे प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम गौशाला का निर्माण की एक बड़ी योजना बनाएंगे। मैं यहाँ इतनी बड़ी संख्या में साधु संत समाज उपस्थित हैं, आपको तो धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ, पर आपको ये भी सूचित करना चाहता हूँ कि देश में कभी किसी भी प्रांत में एक साल में इतनी गौशाला का निर्माण नहीं हुआ और शुरू नहीं हुआ। ये हमने एक साल का इतिहास बनाया है, और जगह जगह, जिले जिले में आप इसके गवाह हैं। ये हमारी भावना है, हमारी शक्ति क्या है, हमारी शक्ति क्या है, हर मनुष्य की, हमारे समाज की, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारी आध्यात्मिक शक्ति है। भारत की पहचान कोई मिलिट्री ताकत, कोई आर्थिक ताकत से नहीं है, पूरे विश्व में भारत की पहचान उसकी आध्यात्मिक शक्ति से है। और मैं तो साधु संत समाज को धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने जो नींव बना के रखी है, आपने ये नींव बना के रखी है कि हमारी देश की आध्यात्मिक शक्ति कायम रहे, और यही सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि हमारी संस्कृति और हमारी आध्यात्मिक शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। हम इसे कभी ना भूलें। हम समाज की बात करें, हम जातियों की बात करें, हम धर्म की बात करें, हम भाषाओं की बात करें, हम त्योहार की बात करें, कोई ऐसा देश है विश्व में जहां ये इतनी अनेकता है? ये अनेकता एक झंडे के नीचे है, और ये एक झंडे के नीचे है क्योंकि जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति हमें ये बल देती है, हमारी संस्कृति हमें बल देती है कि हमारा देश उस झंडे के नीचे खड़ा रहे। तो आज ज्यादा ना कहते हो इतना ही कहना चाहता हूं, जिस बात की मुझे चिंता है, मुझे चिंता नहीं है कि हमारे प्राचीन मंदिर का नया निर्माण कैसे होगा, मुझे इसकी चिंता नहीं है। ये तो बजट का मामला है, भावनाओं के मामला है, लक्ष्य का मामला है, नीति का मामला है। मुझे चिंता जिस बात की है कि जो नई पीढ़ी है, क्या नई पीढ़ी भी हमारे सामाजिक मूल्य, हमारे धार्मिक मूल्य, हमारे आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ रही है? आज जो ये नई पीढ़ी है, क्या फिसल तो नहीं रही है? आज जो इंटरनेट से जुड़ी हुई पीढ़ी है, आज जो तरह तरह के उनके पास ज्ञान है, आज वो अगर इस मूल्यों को ना अपनाएं तो हमारा देश कहां जाएगा, हमारा समाज कहां जाएगा? तो मैं तो आज सब साधु समाज से निवेदन करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है कि आपके प्रवचन में, आपके विभिन्न कार्यक्रम में
हमारी नई पीढ़ी जरूर जुड़े। प्रवचन उनके लिए हुए, हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने तो पालन हमेशा किया है, पर जो नई पीढ़ी है, ये नई पीढ़ी आज अलग ना हो जाए, आज नई पीढ़ी की कोई दूसरी सोच ना हो जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ा खतरा है। और मैं सबसे अपील करता हूँ, अपने बुजुर्गों से अपील करता हूँ कि हम इस नई पीढ़ी को हमेशा जोड़े रहें। हमारे गौशाला के निर्माण का कार्यक्रम की गति और तेज होगी। हमारा रामगमन पथ की जो योजना बनाई है, ये इसका क्रियान्वयन जरूर होगा। और इससे मैं आपका सहयोग चाहता हूं, आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं कि आप ही हमारे शासन को बल और शक्ति देते हैं, आप ही समाज को वो संदेश देते हैं, भाईचारे का संदेश देते हैं, उन मूल्यों का संदेश देते हैं। आपका आशीर्वाद हमारी सरकार को, हमारे मध्य प्रदेश की जनता को मिलता रहे, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज मध्य प्रदेश की नई पहचान बने, नई पहचान बने हमारे धार्मिक कार्यक्रमों से, हमारे नर्मदा से। मध्य प्रदेश की पहचान बने हमारी गौशालाओं से। मध्य प्रदेश की पहचान पूरे देश में और पूरे विश्व में इन सब से बने, ये हमारा यहाँ पर आए। और मैं उनको ये माइक भी देता हूँ कि 2 मिनट आप, जब तक सम्मान कार्यक्रम हो रहा है। मां नर्मदा गौकुंभ आयोजन समिति गीता धाम वारीघाट की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अभिनंदन पत्र सौंपा जा रहा है।